नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र शाम 5 बजे तक लगा रहेगा, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा आज भी वृष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धनवान, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। संगीत और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, परोपकारी और ईमानदार होते हैं। ये अत्यंत स्वाभिमानी और माँ का स्नेह पाने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और चंद्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। सूर्य, बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। अपने ही प्रयासों और आत्मविश्वास पर संदेह की स्थिति संभावित है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। आपके कार्य ऊर्जा की दर प्रभावित रहेगी। हालांकि आय संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विरोधियों से परेशानी संभव है। आपकी शक्की मानसिकता हर विषयों पर नकारात्मक भाव में महसूस होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल बिठाकर चलें और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा आज भी उच्च के होकर आपकी ही राशि वृष राशि पर चल रहे हैं। आपकी सक्रियता और कार्य क्षमता व्यावसायिक उद्देश्य के प्रति केंद्रित रहेगी। थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक विकास के लिए नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा यदि आपके दिमाग में है तो उसे लागू करें। सामाजिक सहयोग आपको मिलता जाएगा। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। मांगलिक कार्यक्रम के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। उचित चिकित्सकीय परामर्श समय समय पर लेते रहें। मिथुन राशि से 5वें भाव में बृहस्पति वक्री होकर बैठे हुए हैं, जिससे कि आपके अंदर रचनात्मक प्रयास की प्रेरणा और दिशा निर्देश की समय समय पर कमी महसूस होगी। फिर भी आर्थिक विकास की योजनाओं में साझेदारी के उद्देश्य से किसी बड़े उपक्रम में निमंत्रित किए जाने का योग बनता है और आपको स्वीकार भी करना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में उत्तम समय चल रहा है। गृहोपयोगी वस्तुओं में खर्च संभावित है। विरोधी पक्ष से चिंता बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ध्यान देना होगा। मौसम की एलर्जी व पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। कर्क राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। हड्डी और पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। कार्य की अधिकता के कारण अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक सहयोग बना हुआ है। नए उद्देश्यों के प्रति आपके प्रयास सार्थक होंगे। मित्रों और सहयोगियों से सलाह पर अमल करना उचित नहीं होगा। सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति पर ध्यान देना उचित होगा। सिंह राशि वाले जातकों की दिन भर की व्यस्तता आज बनी रहेगी। संबंधियों व रिश्तेदारों के साथ समय बीतेगा। व्यावसायिक उन्नति के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। भूमि, वाहन, मकान इत्यादि में निवेश के लिए समय अनुकूल है, मगर हर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। आपकी कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपके मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा और नवीन रिश्तों की शुरुआत होगी। कन्या राशि वाले जातकों को अपने मित्र वर्ग और जान पहचान वाले लोगों से सावधानी अपेक्षित है। आपका अति विश्वास उचित नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। अपनी योजनाओं के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बेहतर यही होगा कि आप ईर्ष्यालु कर्मचारियों से दूरी बनाकर रखें। अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीमा रेखा थोड़ी और बढ़ाएं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास ज़्यादा करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी आवश्यक है, खान पान पर ध्यान दें। तुला राशि वाले जातकों को समस्याओं का समाधान करने में उलझन होगी। व्यावसायिक उतार चढ़ाव संभावित है। संबंधित मतभेदों में शांत रहने की आवश्यकता होगी। आपकी कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा के सहयोग में कमी आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पर वक्री हैं। फिर भी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में सुकून मिलेगा। किसी आवश्यक काम से यात्रा का योग बन सकता है। भावनात्मक संबंधों में बदलाव महसूस होगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि वाले जातक कई समस्याओं का समाधान अलग तरीके से करने में सफल होंगे। नई ऊर्जा और नई कार्यप्रणाली के साथ आपकी पहल लाभ दिलाएगी। आपकी स्पष्ट बातचीत और सीधी सोच कई योजनाओं को व्यवस्थित करेगी। बदलती स्थितियों को काबू में करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति सामान्य रहेगी। वैवाहिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और खान पान में सावधानी और बातचीत में संयम बनाए रखें। धनु राशि वाले जातक नई कार्य योजनाओं पर आज लगाम दें। महत्वपूर्ण कदम सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। शनि और मंगल आपकी राशि पर हैं, इसलिए हर काम में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। व्यावसायिक योजनाओं की साझेदारी आज उचित नहीं होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। लंबे समय से किसी विषय पर अटके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नसों व पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपकी कार्य ऊर्जा की गति लगातार बढ़ने की वजह से शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होगी, क्योंकि आपकी राशि पर केतु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा स्वयं अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। नई कार्ययोजनाओं को मूर्त रूप देने का समय चल रहा है। विरोधियों से भी धन लाभ संभव है। सब परिवार किसी समारोह में सम्मिलित किए जाएंगे। पारिवारिक और संतान संबंधी मामलों में संतुष्टि बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को ईश्वरीय प्रेरणा बलवती बनाएगी। भाग्य भाव में बैठे बृहस्पति से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक पक्ष की मजबूती से आपका आत्मविश्वास और बढ़ता जाएगा। उचित निर्णय लेने की क्षमता में और विकास होगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल है। संतान संबंधी कार्यों में अनुकूलता मिलेगी। नए निवेश की आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा। अपनी योजनाओं की जानकारी संबंधियों को भी ना होने दें। न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित अनुकूलता बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। मीन राशि के जातकों को दृढ़ निश्चय के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाने में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यावसायिक योजनाएं रुक रुक कर फलीभूत होंगी। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। आपके कार्य क्षमता का मन मुताबिक फल नहीं मिल पाएगा। आपके प्रयासों में शासन सत्ता का अवरोध भी संभावित है। धैर्य और संयम से काम लें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए दिन सामान्य रहेगा और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। नकारात्मक विचारों को मन में ना लाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।